नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इज अर्निंग बाय प्रभास पे। तो दोस्तों आज फायदा जो होगा इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद देखिएगा, वो आपको देखने को मिलेगा जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के पर्टिकुलर स्टॉक है। और गवर्नमेंट देखिएगा इस पे एक बड़ा डिसीजन भी ले सकती है, क्योंकि अभी तक जितनी देखिएगा सेक्टर में ये पर्टिकुलर डिसीजन लिए गए हैं उससे उस सेक्टर को काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिला है। तो इसीलिए बात करेंगे एक ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर पे और ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक में जिस डोमेन में ये अपडेट आपको देखने को मिल सकती है। तो बिना किसी देरी के एक एक करके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान ही गए होंगे आप विंड एनर्जी की बात हो रही है, तो आपको पता है विंड एनर्जी का एसेंशियल देखिएगा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, उसकी देखिएगा इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आपको पता है कि सभी कंट्रीज उस पर वर्क कर रही हैं। चाहे आप बात करें अमेरिका की, चाहे बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, चाहे बात करें एशियन कंट्रीज़ की। क्यों ऐसा है आप जानते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर। आपको भी पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी वजह है, क्योंकि आपको भी पता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, और कल रात को जो डेटा आया इन्फ्लेशन का, वो कहीं से भी कोई भी कंट्री टॉलरेट नहीं कर सकती। अगर इस तरीके से महंगाई आगे बढ़ेगी तो इकोनॉमिक स्लोडाउन आपको देखने को मिल सकता है, और आगे चल के मॉनिटरी पॉलिसी को भी थोड़ा सा हार्श करना पड़ेगा। तो इसलिए काफ़ी बड़ी स्विचिंग हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। और ऐसा देखिएगा कहा है जी साउथ एशिया चीफ ने कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, PLI स्कीम लानी चाहिए, यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए PLI जो है स्कीम यहाँ पर लानी चाहिए, ताकि और तेज़ी से यहाँ पे वर्किंग होते हुए देखने को मिले। तो एक एक करके सारी अपडेट देखेंगे। ऑफशोर विंड एनर्जी फर्म हैव एस्पिरेशन टू ग्रो ऑपरेशन इन इंडिया। यहाँ पे यानी कि बहुत सभी जो कंट्री हैं, यानी कि जो भी कंट्री हैं उनकी जो कंपनीज हैं वो इंडिया में वर्क करना चाहती हैं और अच्छी तरीके से विंड एनर्जी को एक्सपैंड करना चाहती हैं। तो आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियां द गवर्नमेंट कुड ऑफर अ PLI स्कीम अलोंग द लाइंस ऑफ व्हाट ऑफर फॉर हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स। एंड महेश देखिएगा प्रेसिडेंट जी साउथ एशिया, देखिएगा उन्होंने ये बात कही है कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर सेक्टर पे PLI स्कीम के थ्रू देखिएगा इनिशिएटिव लेना चाहिए और अच्छी तरीके से हाई एफिशिएंसी देखिएगा रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और आपको पता है कि जब भी कभी PLI स्कीम किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में आई हो, चाहे ऑटो सेक्टर में आई हो, चाहे आप टेक्सटाइल की बात कर लीजिए, चाहे अदर सेक्टर की बात कर लीजिए, डिफेंस की बात कर लीजिए, जहां जहां गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है वहां स्टॉक्स में आपको बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। और यहां पर देखिएगा ऑफशोर की बात हो रही है, लेकिन जो इंडियन कंपनीज हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, विंड एनर्जी में ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, उनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट हो सकता है अगर ये चीज़ एग्जीक्यूशन में आती है। तो अगर आप देखेंगे जो मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी हैज़ अर्ज द सेंटर टू लॉन्च प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर विंड एनर्जी, यानी कि इस कंपनी ने क्या कहा है, एक तरीके से गवर्नमेंट से अपील करी है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर पे आपको PLI लानी चाहिए, ताकि और अच्छी तरीके से इंडिया में देखिएगा जो क्या है बहुत ही बड़ा स्पेस है विंड एनर्जी का, उसको बूस्टअप किया जा सके। तो आप समझ सकते हैं जब बाहर के लोग इतना ग्रोथ, इतना पोटेंशियल इस पर्टिकुलर सेक्टर में देख रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि इंडियन कंपनीज को इसका कितना बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आगे अगर आप बात करेंगे तो पूरा देखिएगा, जो ऑफशोर विंड एनर्जी फर्म्स हैव एस्पिरेशन टू ग्रो ऑपरेशन इन इंडिया, और अगर आप देखेंगे इसके बाद इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा कहा है, आगे अगर आप चेकआउट करेंगे तो नॉट ओनली विंड एनर्जी टर्बाइन बट ओवरऑल इंडस्ट्री, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ सोलर बट नॉट मच विंड। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सोलर की बात बहुत ज़्यादा है लेकिन विंड की बात नहीं होती है, पूरे सेक्टर पे इन्हें वर्क करना चाहिए, विच इज़ वेयर वी ऑफर ट्रेमेंडस वैल्यू। ऑफशोर विंड इंडस्ट्री एज एन एरिया इज समथिंग वी रियली हैव बीन कॉन्स्टेंटली डिस्कसिंग। तो आप देख सकते हैं इस पर कॉन्टिन्यू वर्क चल रहा है, और इस अप्रोच के साथ देखिएगा इंडिया में बहुत सारी कंपनियां वर्क भी करना चाहती हैं,
और टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल्स एंड रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज इम्पोर्ट। यानी कि इससे क्या होगा, ना केवल इंडिया में एक्सपेंशन बढ़ेगा, सस्ते दामों पर आपको बिजली मिलेगी, बल्कि इससे जो इम्पोर्ट, जिसपे देखिएगा आत्मनिर्भर भारत स्कीम चलाई गई है कि हमें सब कुछ अपने आप से ही करना सीखना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के अगर हमें लीड करना है तो हमें डिपेंडेंसी को कम करना पड़ेगा। तो इसलिए भी देखिएगा ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है स्कीम। और जो तकरीबन अगर देखिएगा जो साइज़ होना चाहिए पीएलआई स्कीम का, वो 24,000 करोड़ के आसपास का होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है सेक्टर पे, इंडस्ट्री पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा दिन तक देखिएगा हम लोग क्रूड ऑयल पर, गैस पर देखिएगा इतना डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि महंगाई कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है। तो आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ा देखिएगा बूस्टअप देखने को मिलेगा। और इंडिया में जो कंपनी विंड एनर्जी में काम करती है वो सुजलॉन एनर्जी है। अगर गवर्नमेंट इसका छोटा सा भी इनिशिएटिव लेती है, सबसे ज़्यादा फायदा इस डोमेस्टिक कंपनी को होगा। किसको होगा? सुजलॉन एनर्जी को होगा। मैंने आपको 7-6 रुपए पे देखिएगा इस पे वीडियो प्रोवाइड किया था। मैंने आपसे कहा है टाइम दीजिए स्टॉक को, इस स्टॉक को टाइम दीजिए, क्योंकि देखिएगा अभी ये डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अपने डेप्ट को भी इन्हें बैलेंस करना है और अच्छी तरीके से 2-4 क्वार्टर इनको आप काफ़ी आगे चल के काफ़ी मोमेंटम भी देना है। तो अगर आगे दोनों काम सही रहते हैं तो ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न बना के देता रहेगा, जैसा कि ये पिछले 6 महीने से बना कर दे रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।